गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 फॉर क्लास 10 CBSE एंड ICSE। ओके, जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 ना देखा हो, पहले उसे आप देख लीजिए। पार्ट 4 तक बेटा उन्होंने रेजिस्टेंस तक डिस्कस किया था। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बेटा डिफिनेशन मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर वायर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट इन द वायर। मतलब रुकावट होती है, जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो जो गड्ढे मिलते हैं, ब्रेकर मिलते हैं, उसी तरह जब वायर के अंदर करंट चलता है, यानी चार्ज मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है, यानी करंट जब फ्लो करता है तो उसको रोकता है वायर। उस रुकावट को क्या कहते हैं बच्चों? हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस की बेटा जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है, OHM इस तरह बनाते हैं, और इसका नाम होता है ओमेगा। ये ग्रीक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ओमेगा। इट इज ग्रीक वर्ड। अच्छा, कुछ बिगर यूनिट समझ लीजिए बच्चों। दीज आर बिगर यूनिट्स जिसके हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। 1 किलो ओम अगर लिखा होगा, इसका मतलब होता है 10^3 ओम। ओके, कई बच्चों लिखा 1 मेगा MEGA मेगा ओम अगर लिखा, उसका मतलब होता है 10^6 ओम। ओके, आप देखिए बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वी और आई पर। अगर हम आई और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है ओ ए, और ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? रेजिस्टेंस को। इट इज रेजिस्टेंस, ओ ए इज रेजिस्टेंस। ओके, स्ट्रेट लाइन क्यों आता है? क्योंकि वी आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सबको पता होगा। देखो यहां लिखा हुआ है, आर का मीनिंग मैं लिख देता हूं, वी बाई आई इज इक्वल टू होता है आर। तो वी और आई का रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट आता है। ओके, अब इसका मतलब क्या हो, जरा ध्यान समझना। जैसे मान लो वी जो है 20 है, आई कितना है मान लेते हैं 2 है, कितना आंसर आ रहा है? 10 आया। हमारा बेटा वी को हम लोग करते हैं 40, तो हमें बताइए आई कितना रखना पड़ेगा, सोच के बताइए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आना चाहिए, तो हमें बच्चों यहां रखना पड़ेगा 4, तभी तो 10 आएगा। मान लो वी की वैल्यू बच्चों है 80, तो हमें कितना रखना पड़ेगा कि 10 आए, बताइए सोच करके, कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा। यानी कहने मतलब ये है कि V और I को जब भी आप डिवाइड करोगे, हमेशा उसका जो आंसर आएगा ना वो कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब यही होता है। देखो, तो स्लोप ऑफ V और I जब भी आप इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, या कुछ ना कुछ वैल्यू होगा V का, क्वेश्चन में दिया होगा, I का कुछ ना कुछ यूनिट होगा, मतलब वैल्यू होगा, जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। जरूरी नहीं कि 10 आए, हो सकता सब में 5 आए, या 6 आए, या जो भी आए, मतलब हमेशा दोनों का रेशियो क्या होगा बच्चों? सेम आएगा हमेशा, हर केस में। इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। आप देखिए ग्राफ कैसा हो गया बी और आई का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट आएगा। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग आर कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राफ से, तो बच्चों बोला जाता है स्लोप ऑफ आई एंड वी, मतलब करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज। देखो स्लोप का मतलब ये होता है, बहुत ध्यान समझना बच्चों, स्लोप का मतलब क्या होता है? देखो स्लोप का मतलब होता है जो तिरछा बनी लाइन ना, जो तिरछा होती लाइन, तिरछा होती है, तिरछा समझते हो सब लोग ना, ऐसे इंक्लाइन, जैसे ऐसे सीढ़ी से जा रहे हैं ऊपर, तो ये जो ये तिरछी लाइन है ना ऐसे, इसको बोलते हैं स्लोप। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया, ये स्लोप हो गया हमारा हाथ, ठीक है ना? इट इज स्लोप। ओके, अब इस स्लोप को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान समझिएगा। इस लाइन को ऐसे नीचे मिला लीजिए, ऐसे
ये मान लो हो गया C, और इस लाइन को इधर मिला लीजिए, ये हो गया B। स्लोप का मतलब होता है जो लेंथ है, और जो इधर गौर से यहां देखो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनना चाहिए। ओके, नाइन्थ क्लास में आपने मोशन में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन निकालते समय, याद आ रहा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस कर दोगे ना, तो इसे ही बोला जाता है स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन OA, यानी कि स्लोप ऑफ आई एंड बी का मतलब हुआ लाइन OA। इसका स्लोप कैसे निकलेगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपान बेस, ये जो 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, और देखो ये बन रहा है OAC, इसमें परपेंडिकुलर अपान बेस कर दो। परपेंडिकुलर क्या है? AC, और बेस क्या बच्चों? OC। AC का मतलब क्या है देखिए, AC का मतलब इधर देख लो V है भाई, AC और OB दोनों एक ही चीज तो है, बताइए AC और OB या BO दोनों इक्वल वैल्यू है, तो यहां हो गया V। और OC क्या है बच्चों? ये सॉरी ये क्या आ रहा है, AC, AC क्या है, V है क्या, गलत तो नहीं लिख गया है, जरा चेक कर लो सब लोग बच्चों, क्या आ गया यहां पर V लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इधर लिख लो I। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो V अपान I हो गए बच्चों, तो आ गया आंसर R। वैसे आप इधर भी लिख दो तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना, ये आ चल रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग स्लोप। अच्छा इतनी बात समझ आ गई, इसका कहने मतलब क्या हुआ कंक्लूजन, देखो इसके बाद भी यहां देखो स्लोप ऑफ ग्राफ आई एंड बी इज कॉल्ड एज आर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इतनी बात क्लियर हुई, इसको याद करके रखिएगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बच्चों बात है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, नोट में जो पॉइंट लिखा है कि आर की जो वैल्यू होती है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और दिमाग में भी नोट कर लीजिए कि R की वैल्यू डिपेंड नहीं करती किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, लेकिन जो करंट की वैल्यू है I की डिपेंड करती किस पर, V पे, ध्यान रखना। बट वैल्यू ऑफ I डिपेंड्स ऑन, I फॉर करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, वोल्ट जिसको बोलते हैं वोल्टेज। अच्छा आगे आते हैं, I डिपेंड करता है V पे, तो कैसे डिपेंड करता बच्चों, आइए अगर R को आप हाफ कर दो, R मतलब रुकावट। अब सोचिए आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर हम ब्रेकर को 10 की जगह 5 कर दें तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। तो देखिए अगर R को हाफ करोगे तो जो करंट की स्पीड होगी ना वो डबल हो जाएगी, मतलब मान लो कि भी रेजिस्टेंस है मान लो 10 और करंट फ्लो कर रहा है 5, अब आपने रेजिस्टेंस को 10 से कितना कर दिया 5, तो करंट क्या हो जाएगा, मान लो करंट 2 फ्लो कर रही थी पहले, तो अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, रेजिस्टेंस अगर 10 है और करंट मान लो कि 10 मतलब क्या 10 ओम, और करंट मान लेते हैं कितना है 6 ओम है मान लो, अब आपने क्या कर दिया आर को ना जो 10 ओम है उसको आपने 5 ओम कर दिया, तो जो करंट है ना कितना फ्लो कर रहा था 6 ओम, अब कितना हो जाएगा वो 12 ओम हो जाएगा। अब इसी का वाइस वर्सा, देखो इसका उल्टा करो, अगर R को डबल कर दोगे, जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है अभी 10 ओम, आपने कर दिया उसे 20, तब जो करंट फ्लो कर रही थी ना वो आधा हो जाएगी, जैसे मान लो करंट पहले फ्लो कर रही थी मान लेते हैं 10 एम्पियर, तब कितना फ्लो करेगा 5 एम्पियर, यही मतलब है। आई होप आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा, थियोरेटिकल पोर्शन इसलिए मैंने बहुत पहले से लिख दिया है कि टाइम वेस्ट नाउ, इट इज थियोरेटिकल पोर्शन, बहुत कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब दिमाग लगाइएगा आप लोग। ओके, अगला एक वर्ड आता है रजिस्टर, देखो रजिस्टर क्या होता है, जिसके अंदर रजिस्टेंस होता है उसे रजिस्टर कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मान लो आप सड़क पर कार लेके जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना हमारी बात, आप कार लेके सड़क पे जा रहे हैं तो कार जो चल रही है ना उसको बेटा मान लो इलेक्ट्रॉन, किसको मान लीजिए कार को, वो इलेक्ट्रॉन है, और कार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट, तो आप कार को करंट भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मानो चाहे करंट मानो एक ही बात है, तो मान लो कार इलेक्ट्रॉन है या करंट है सड़क पे जा रही है,
अब बताइए सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क को मान लीजिए वायर, ओके भाई करंट कहाँ चलती है, वायर के अंदर, वायर के अंदर मेटल होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है ना, उसी में तो चलती है मेटल में। तो रोड को मान लीजिए आप कोई वायर, मेटल वायर। अब कार चल रही है, अगर मान लो रोड बेटा बहुत स्मूथ है, बढ़िया एकदम, तब तो कार बहुत अच्छी चलेगी, यानी करंट तेजी से चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि सड़क पे गड्ढे आ गए तो कार की स्पीड क्या होगी, मान लीजिए आप चल लेते हैं 100 की स्पीड, तुरंत ब्रेक लगाओगे उसकी स्पीड आ जाएगी 50 पे आ सकती है या 20 पे आ सकती है या और कम हो सकती है ना बेटा। तो बताइए यहाँ सड़क क्या हो गया, वायर है, और गड्ढे किस में है, सड़क पे ही है, मतलब कि वायर के अंदर ही रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ओके क्लियर हो गया बच्चों। तो ध्यान समझना क्या डेफिनेशन लिखा है, अ कंपोनेंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट विच पॉजेस या ऑफर रेजिस्टेंस, जो बेटा रुकावट पैदा कर दे करंट को चलने में, यानी अपोजिशन करे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करंट को चलने में दिक्कत पैदा करे, ना चलने दे, उसे रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ रजिस्टर क्या हुआ बताइए, सड़क हुई ना, तो सड़क यानी कि कंडक्टर वायर जैसे हो गया, तो वायर कंडक्टर वायर कहो, चाहे उसके अंदर भाई रुकावट पैदा करने की कैपेसिटी है तो रजिस्टर भी हो गया। इसलिए बच्चों रजिस्टेंस को ही हम लोग कॉमन भाषा में रजिस्टर कहते हैं, यानी सड़क को ही हम लोग क्या बोल देंगे, रजिस्टर भी बोल सकते हैं और उसको क्या बोल सकते हैं, वायर भी बोल सकते हैं, ओके। और उसके अंदर क्वालिटी क्या है, रोकने की, तो रोकने की यानी फ्रिक्शन, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ओके। तो रेजिस्टेंस एक क्वालिटी हो गई, रजिस्टर क्या हुआ, एक वायर हो गया, ओके बच्चों हमारी बात समझ गए होंगे। यानी रजिस्टर क्या होता है, सीधी बात समझ लो, जिसके अंदर रजिस्टेंस होता है उसे रजिस्टर कहते हैं। जैसे कोई भी वायर करंट जब फ्लो करता है तो वायर हीट हो जाता है, सबको पता है, अगर रुकावट पैदा होगी तो हमेशा क्या होता है, हीट होता है। जैसे देखो आप एग्जांपल, ये हाथ है आपके, अगर हाथ को ऐसे रब करिए, देखो हीट हो गया, इसका मतलब इसने रुकावट पैदा किया, दोनों फ्रिक्शन हुआ। इसी तरह जब वायर के अंदर करंट फ्लो करता है बच्चों, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो रुकावट पैदा होता है, दोनों सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं, कोलिजन होता है, इससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो मेटेलिक वायर क्या हुआ, रजिस्टर, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इसलिए ज्यादा वोल्टेज होने पर वायर में क्या होता है, आग पकड़ लेता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर उड़ गया, जल गया, क्यों जल जाता है, ड्यू टू हाई कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, लेकिन वोल्टेज पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, आप ये कहिए करंट ज्यादा तेजी से फ्लो करता है जिससे आपस में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और हीट प्रोड्यूस होता है और उसमें आग पकड़ लेता है और ट्रांसफार्मर बर्न हो जाता है, ओके। और हमारी तरफ से याद कर लो बच्चों कि जितने आपके घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है, बात समझ लीजिए, जिसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस जरूर होगा। आप बताइए अगर हम एक 100 वाट का बल्ब ले लें और एक CFL ले लें 10 वाट का, किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो कॉमन सी बात है कि 100 वाट का बल्ब क्या है बच्चों, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है, अब बल्ब को क्या बोलेंगे, रजिस्टर। बात समझ में आ गया, बल्ब हो गया रजिस्टर और उसके अंदर करंट को रोक रहा तो हीट प्रोड्यूस हो रही, मतलब उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी कौन सी है, रजिस्टेंस की, ओके। हमारी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए बच्चों हम इस पर कुछ और आगे टॉपिक पढ़ते हैं, ओके। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए रुकावट क्यों होती है किसी भी वायर में या किसी अप्लायंस में, तो ध्यान समझो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, मान लो बल्ब ले लिए, ये मान लो बल्ब है, इसको बच्चों आपने ऐड कर दिया एक बैटरी या सेल से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव को शो करती है और छोटी लाइन निगेटिव। सबको पता है ना सेल या बैटरी में दो पार्ट होते हैं, जैसे सेल हम बना रहे हैं देखो, तो सेल कैसे होता है, जो पेंसिल सेल ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव, यहां लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस
बताता है। जिनको ये नहीं पता आप लेक्चर नंबर 1-2 देखिए, मैंने बहुत इसके बारे में डीपली आपको समझाया है। ओके बच्चों, देखिए करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा प्लस पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है करंट। तो करंट कैसे चलेगा, यहां से आएगा करंट ऐसे घूमते हुए, फिर यहां से करंट लौट आएगा सेल में। और इलेक्ट्रॉन कैसे चलते बच्चों, निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। ओके, ऐसे घूम करके इलेक्ट्रॉन फिर यहां पे वापस आता है सेल में, चक्कर लगाता रहता है। अतः जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते ना ऐसे ऐसे, तो आपस में क्या करते हैं, टक्कर होती है, कोलेजन होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ध्यान समझिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन, पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, तो सेल। सेल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। सेल हटा दोगे पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इसका है ना 1.5 वोल्ट, इसलिए वोल्ट लिखा जाता है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का बैटरी है। पोटेंशियल डिफरेंस में बार बोल रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो आप वोल्टेज याद कर लो, बातें की समझ में आ गया। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है क्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एंड पे मेजर होता है। एंड का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो बल्ब लगाया, तो बल्ब का एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ, तो आप यहां दोनों पे ना इस तरीके से एक मीटर होता है, अगर आप ऐड कर दो, जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज कैसे नापते हैं, जैसे बल्ब का नापना, तो एक इधर और एक इधर वायर लगा के तब मेजर करेंगे। ओके ना, तो एंड पे देखा जाता है बेटा, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा और आपको तो समझ में आएगा। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते तो आपस में टकराते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द सेल। इसमें ऐड कर लेना वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द सेल या सर्किट। और क्या होता है बच्चों, यहां सर्किट लिख लेना, फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड, जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते तो क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलाइड विथ ईच अदर एंड एटम ऑफ द कंडक्टर। अब आपस में टकराएंगे, और बताइए जो तार लगा या बल्ब बना हुआ, तो बल्ब में तो टंगस्टन होता है, और भी भाई वायर जोड़ा है आप उसमें कॉपर ओपर, तो उसके एटम से भी टकराते रहते हैं। ओके, यानी कुल मिला के कोलेजन समझिए, टकराने को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की टक्कर यानी रेजिस्टेंस। वायर कॉजेस रेजिस्टेंस, हो गया। देखो जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मोर विल बी कोलेजन, मोर द कोलेजन मोर विल बी रेजिस्टेंस। ओके, और रेजिस्टेंस बेटा क्या पहचान होती है, रेजिस्टेंस कॉजेस हीटिंग इफेक्ट इन कंडक्टर वायर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वो हीट होगा, लास्ट में क्या होगा, कॉजेस शॉर्ट सर्किट। ओके, ज्यादा हीट हो जाएगा तो तार जल जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, हो गया जल गया तार। इसी तरह ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, बात समझ रहे ना, जल जाता है, उड़ जाता मतलब जल जाता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ऐसा करते हैं कि वीडियो बेटा ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैंने एक टारगेट रखा है कि वीडियो को मैं मैक्सिमम 20 मिनट्स तक ही बनाऊंगा। ओके, क्योंकि बहुत लंबी बना दी तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ने में, और मेरा बनाना भी बेकार हो जा रहा है ना, तो लेक्चर कोई मतलब नहीं निकल रहा। ओके बच्चों, तो ठीक है, आप लोग इतना नोट्स बनाइए, और मिलते हैं पार्ट 6 में, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नोट्स बना लीजिए, और पार्ट 6 में हम बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टाटा।